हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर ओके एंड फाइन विद योर फैमिलीज एंड स्टे होम स्टे सेफ। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। देखिए बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स में ही डिजीज कॉज नहीं करते हैं, वो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड एट्सेट्रा। इन सब की फसलों में जो है वो इनकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, डिजीज लग जाती है, ठीक है, जिससे कि यील्ड कम हो जाती है। यील्ड क्या होता है? पैदावार, यानी कम प्रोडक्शन होती है। ओके, अब हम टेबल 2.2 में देखेंगे कुछ ऐसी ही डिजीज। दीज डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो ये जो डिजीज किसकी वजह से कंट्रोल की जाती है? कुछ एक केमिकल्स की स्प्रेइंग करके, ताकि जो है वो माइक्रोब्स मर सके। अब जैसे यहाँ पर आपको टेबल में दिया गया है सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, एयर के थ्रू फैलता है, और इसमें आपको फोटो में दिख रहा है कि किस तरह से ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं, ठीक है। सेकेंड इज रस्ट ऑफ वीट, वीट का रस्ट, जो कि फंगी की वजह से होता है, एयर से फैलता है और सीड्स के थ्रू भी फैलता है। इन्फेक्टेड सीड्स हों, वो दूसरी सीड्स के साथ रख दी जाए तो उससे भी जो है वो फैल जाएगा। देखिए इस तरह से पैचेस हो जाते हैं वीट क्रॉप के ऊपर। नेक्स्ट इज येलो मोजाइक वेन्स ऑफ भिंडी, जिसको ओकरा भी बोला जाता है। वायरस से होता है, इंसेक्ट से भी हो जाता है, मतलब इंसेक्ट कैरी करते हैं वायरसेस को एक हेल्दी इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के ऊपर। और देखिए इस तरह से जो है वो ये डिजीज दिखती है उसकी लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। तो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? बूजो वांटेड टू इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड्स टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। द डॉक्टर्स सेड दैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। एक बार बूजो क्या करता है, बहुत पार्टी में जाता है तो काफी वैरायटी का जो है खाना खा लेता है, तो उससे घर आते ही उसको क्या हो जाती है, वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, उल्टियां स्टार्ट हो जाती है। तो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि उसको जो क्या हो गया है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब ना व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, तो अब पहेली भी ये जानना चाहती है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फूड पॉइजनिंग हमें कब हो जाती है? जब जो खाना हमने खाया है वो खराब हो, किसी तरह के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो खाना जो है खराब हो गया हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के ऊपर ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, कई बार टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले सब्सटेंसेस जो है वो बना देते हैं। ओके, जिसकी वजह से फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है और सीरियस इलनेस, इवन कई बार अगर ज्यादा सिवियर हो तो डेथ भी हो सकती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खाने को अच्छे ढंग से प्रिजर्व करके रखा जाए और खराब होने से बचाया जाए। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड को जो है वो हम माइक्रोब से कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इन चैप्टर 4 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने कि कैसे हम जो है ग्रेन्स को बचा सकते हैं, जैसे कि हमने ग्रेनरीज और सिलोज में पढ़ा था कि उनको बहुत अच्छे से साफ करके जो है वो स्टोर करना है। तो हमने कुछ एक मेथड्स पढ़े थे अच्छे से प्रिजर्व करने के। तो हम कुक्ड फूड को जो है वो कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे ब्रेड बच गया, अनलेफ्ट अनयूज्ड जो है वो बच गया, तो उसको हमें मॉइस्ट कंडीशन के अंदर अगर रख देंगे तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देंगे। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट। ऑब्वियसली बेटा जो स्पॉइल्ड होगा फूड, जो खराब हो चुका होगा फूड, उसका टेस्ट भी खराब आएगा और उसका जो है वो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या केमिकल रिएक्शन होती है? ऑफकोर्स यस बेटा, ये केमिकल रिएक्शन होती है। दैट्स वाई कुछ और ही प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो हमारे लिए कई बार सेफ नहीं होते हैं। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुडंट ईट देम फॉर फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट कि वो खराब हो गए हैं और सड़ गए हैं, लेकिन उसको पता था कि मैंगो का पिकल जो है, जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती है, वो लंबे टाइम तक नहीं खराब होता है। तो ऐसा क्यों कि वो मैंगो तो खराब हो गए और जो अचार होता है आम का वो इतना लंबा चल जाता है।
Let us study some common methods of preserving of food at our homes. We have to save it from the attack of microorganism. अब हम देखेंगे कि बेटा वो कैसे बच जाता है. Actually, अब हम कुछ एक methods पढ़ेंगे जो कि घर पर हम generally preservation के लिए use करते हैं. Salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microbes. तो यहाँ से आपको आपका answer मिल गया होगा कि जो salts और edible oils होते हैं वो generally preservatives का काम करते हैं, यानी वो growth को रोक देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. इसी वजह से क्या होता है कि जो अचार वगैरह होता है उसके अंदर हम एडिबल ऑयल्स और नमक डालते हैं, दैट्स वाई वो लंबे टाइम तक चल जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए इस तरह के सब्सटेंसेस को जो कि फूड को प्रिजर्व करने के काम आता है उसको हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक फ्रॉम माइक्रोब्स. इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्ट और पिकल्स के अंदर सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स डालते हैं. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. और कॉमन केमिकल्स कौन कौन से बेटा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं. दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉयलेस. तो ये जैम्स वगैरह में, स्क्वैशेस वगैरह में भी यूज होते हैं बेटा. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट के थ्रू, कॉमन साल्ट को जो है वो मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए काफी एजेस से यूज किया जाता है. जो है ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है मीट को ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया ना ग्रो करे. और इसके अलावा सॉल्ट से जो है हम आंवला या फिर कच्चे मैंगो या फिर हल्दी को भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं. नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर. प्रिजर्वेशन जो है वो शुगर की हेल्प से भी करी जा सकती है. जो जैम्स होते हैं, जैली, स्क्वैशेस होते हैं, वो शुगर की वजह से ही प्रिजर्व होते हैं. वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है शुगर, और इसलिए वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है और खाने को खराब होने से बचाती है. ओके, ऑयल और विनेगर से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ये पिकल्स में जनरली यूज होते हैं ऑयल एंड विनेगर. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो विनेगर, ऑयल, इनके एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते. तो वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, फिशेस हैं, मीट्स हैं, ये भी समटाइम्स जो है बाय विनेगर और ऑयल मेथड के जो है वो प्रिजर्व करी जाती हैं. हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट, हमने ऑब्जर्व करा होगा कि बॉइलिंग मिल्क जो है वो स्टोर किया जाता है और यूज किया जाता है. अगर कच्चा दूध रह जाए बाहर तो वो खराब हो जाता है. बॉइल्ड मिल्क जो है वो लंबे टाइम तक चल पाता है. क्यों? क्योंकि वो हीट करके हमने उसको प्रिजर्व कर दिया. जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो मर गए उसके अंदर. बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बॉइलिंग की वजह से क्या हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर गए हैं. सिमिलरली हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं ना. उससे भी क्या होता है, लो टेम्परेचर पर जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. ओके, व्हाई डज मिल्क कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड. माय मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज पास्चराइज्ड. व्हाट इज पास्चराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो पैकेट्स वाला, थैली वाला दूध आता है वो नहीं खराब होता है कभी भी. तो वो कैसा मिल्क होता है बेटा, पास्चराइज्ड मिल्क होता है. नाउ व्हाट इज पास्चराइजेशन, अब हम देखेंगे पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है. पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉयलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. जो पास्चराइज मिल्क होता है बेटा उसको बिना उबला कच्चा भी जो है वो सर्व किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस मिल्क को जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है बेटा 15 से 30 सेकंड तक, और फिर एकदम से जो है वो गर्म दूध को ठंडा कर दिया जाता है. तो क्या कर दिया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक जो है वो हीट किया जाता है, उसके बाद सडनली चिल्ड कर दिया जाता है. अगर ये प्रोसेस किया जाए तो जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की वो रुक जाती है. तो इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन बोलते हैं, और किसने डिस्कवर किया था, सर लुइस पास्चर ने. ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग. दीज डेज जो ड्राई फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको एयर टाइट बॉक्सेस के अंदर जो है वो क्या कर दिया जाता है, पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है कि वो एयर टाइट होते हैं तो कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, एयर के साथ माइक्रोब्स भी अंदर नहीं जा सकते, और हमारा फूड जो है वो उसको हम अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं.
ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.